अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जनाब? आपको याद होगा पिछली दफा हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात कर रहे थे। आज हमने तकरीबन वैसी ही कुछ और डिस्कशन भी करनी है, लेकिन उससे पहले हम पिछली दफा का जो लेक्चर था उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको ज़रा रिकाउंट कर लें। पहली बात तो हमने ये की थी कि हमने देखा था कि ये नेटवर्क्स का हमें फ़ायदा क्या है, कंप्यूटिंग में नेटवर्क्स का रोल क्या है। हमने ये भी देखा था कि मुख्तलिफ तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, और ये कि नेटवर्क्स जब बना रहे होते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो कौन कौन सी फॉर्मेशंस अमूमन यूज की जाती हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजीज अमूमन यूज की जाती हैं। उसके अलावा हमने एक दो प्रोटोकॉल्स को भी देखा था कि नेटवर्क्स पे जब ट्रांसमिशन हो रही होती है, रिसेप्शन हो रही होती है, पैकेट इधर से उधर जा रहे होते हैं, तो वो किन रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात तो हमने ये कही थी कि जनाब, इफ यू कनेक्ट वन कंप्यूटर विद अनदर, आपका एक नेटवर्क बन जाता है। यानी नेटवर्क में दो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, लेकिन उमूमन दो से खासे ज्यादा हुआ करते हैं और हजारों भी हुआ करते हैं। और अगर आप इंटरनेट को एक नेटवर्क के तौर पर देखें तो उस पर तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो नेटवर्किंग क्यों करते हैं? ताकि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, ताकि रिसोर्सेज आपस में हम कंप्यूटर्स के जरिए शेयर कर सकें। नेटवर्क की जो हमने एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से दो टाइप्स बताई थी, एक तो ये थी कि जनाब कुछ नेटवर्क उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं एज प्राइवेट नेटवर्क्स, और जो नेटवर्क्स प्राइवेट नहीं होते उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं एज पब्लिक नेटवर्क्स। इसके अलावा हमने एक और क्लासिफिकेशन ये भी की थी कि कुछ नेटवर्क उन्हें हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी ऐसे नेटवर्क जो कि पास कंप्यूटर जो एक बिल्डिंग में पड़े हैं उनको आपस में कनेक्ट के बने, या फिर क्लोज एक दूसरे के कुछ बिल्डिंग्स हैं उनके सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं उनको हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। इसे हम कहते हैं कि जनाब ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, या फिर इसे हम लैन कहते हैं, LAN लैन कहते हैं। और जो जरा बड़े नेटवर्क होते हैं, स्पेशली ऐसे नेटवर्क्स कि जिसमें कुछ कंप्यूटर्स यहाँ हैं, कुछ किसी और शहर में हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, इसे हम एक वाइड एरिया नेटवर्क या WAN कहते हैं। अब ये नेटवर्क्स जो हैं इनमें कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, किस तरह कनेक्टेड हैं, इसको हम कहते हैं कि फिजिकली एक नेटवर्क जो है, एक नेटवर्क का एक नोड या एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे से किस तरह कनेक्ट किया जाता है, या किसी और थर्ड पार्टी के जरिए कनेक्ट किया जाता है। इन चीज़ों को हम कहते हैं कि नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है, कि ये कंप्यूटर जो हैं आपस में फिजिकली किस तरह कनेक्टेड हैं। तो चार टोपोलॉजीज का हमने तذکرہ किया था, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। इसके अलावा हमने ये भी मेंशन किया था कि बहुत से नेटवर्क ऐसे होते हैं जो इनके मिक्सचर से बनते हैं, कि वो नेटवर्क उसमें थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो तो स्टार नुमा होता है और कुछ हिस्सा हो सकता है वो पॉइंट टू पॉइंट नुमा हो। ये भी हमने बात की थी कि ये नेटवर्क्स पे जब पैकेट्स यहां से वहां एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जा रहे होते हैं तो वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उसे हम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कहते हैं। हमने ये भी कहा था कि जनाब वैन्स के लिए अपनी प्रोटोकॉल्स होती हैं, स्पेशली एक इंटरनेट प्रोटोकॉल खासी मशहूर है, लेकिन हमने जिन दो प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी वो लैन से रिलेटेड प्रोटोकॉल थी। हमने इथरनेट का तذکرہ किया था, उसके अलावा हमने टोकन रिंग प्रोटोकॉल का तذکرہ किया था। इसके अलावा हमने जहाँ तक कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, यानी वो चैनल जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाती है या एक नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर पर जाती है, उनका भी तذکرہ किया था। यानी ये कम्युनिकेशन चैनल जो है ये वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। हमने ये भी कहा था कि आजकल वायरलेस लैन जो हैं खासे पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको सेटअप करना खासा आसान है, टाइम बहुत कम लगता है। लेकिन एक की इशू जो वायरलेस लैंस में है वो ये है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी का, कि कोई दूसरा आदमी आपके मैसेजेस को पकड़ ना सके, क्योंकि वायरलेस लैन में सारे का सारा डेटा जो है वो तो थ्रू एयर जा रहा होता है। इट इज अवेलेबल टू एनीबडी हु इज नियर बाय यू, तो अगर वो लोग चाहें तो वो उस डेटा को पकड़ सकते हैं और उससे हो सकता है आपको नुकसान पहुंचा सके। सो वायरलेस लैंस में दैट इज द की इशू। तो जनाब ये तो थी पिछली दफा की बात। आज का लेक्चर जो है इट इज अबाउट द इंटरनेट। आज का लेक्चर और नेक्स्ट टाइम का लेक्चर जो है वो भी इंटरनेट के बारे में ही है। आज हम इंट्रोडक्टरी थोड़ी सी बातें करेंगे, नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी हम जरा एडवांस्ड बातें करने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे कि इंटरनेट का रोल क्या है कंप्यूटिंग में। आज हम ये देखेंगे इंटरनेट कहां से शुरू हुआ और कहां पे अब पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि हम ये डिस्कशन शुरू करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि कल हुई। कल जनाब एक एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट हुआ पैलो एल्टो कैलिफोर्निया में,
जो अमेरिका की एक स्टेट है। वहां पे एक साहब है टॉम पीटर्स, उनकी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को किसी ने टक्कर मारी और वो भाग गए, एक और गाड़ी ने उसको टक्कर मारी और वो भाग गए। टॉम पीटर्स साहब बड़े परेशान हुए, लेकिन खुशी की बात ये थी उनके लिए कि उनकी गाड़ी इंश्योर्ड थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म जो है उसको फिल किया, उसके अंदर अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डाली, जिस तरह एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डाली, और ये भी लिखा कि इसको रिपेयर कराने में तकरीबन कितने पैसे लगेंगे। उसके लिए उन्होंने किसी मोटर मैकेनिक से मशवरा भी कर लिया। जब ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने इस फॉर्म में लिख दी, तो उन्होंने वो फॉर्म जो है फैक्स कर दिया। उनके घर में एक फैक्स मशीन थी, उसमें उन्होंने फॉर्म डाला और वो फैक्स कर दिया अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास। उनकी इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका नाम है एक्मी इंश्योरेंस कंपनी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। एक्मी इंश्योरेंस कंपनी का एक सर्वर था, उसके पास ये फैक्स पहुंची। इस सर्वर ने उस फैक्स के फॉर्म को उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग की, उसकी कुछ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की, उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसको कुछ देखा, उसके मुताबिक उन्होंने उन्हें पता लग गया कि ये जो टॉम पीटर्स साहब ने भेजा है, जो कि पैलो अल्टो में रहते हैं, उसके टॉम पीटर्स के बारे में कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी थी उस सर्वर के पास, वो भी उसने उसके साथ अटैच की, और वो फिर उन्होंने फॉर्म बमा दैट अटैच्ड इन्फॉर्मेशन उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। कहाँ फॉरवर्ड किया, उन्होंने एक पाकिस्तानी कंपनी जो कि लाहौर में डेविस रोड पर जिसका ऑफिस है उसके पास फॉरवर्ड कर दिया। उस कंपनी का नाम जनाब है भोला ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब यहां पे भोला ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे एक सर्वर के पास वो इन्फॉर्मेशन आई न्यूयॉर्क से। भोला साहब बड़े इंटरेस्टिंग आदमी, उन्होंने उस सर्वर का नाम भी इंटरेस्टिंग लिखा हुआ था, रखा हुआ था, उसका नाम था बिल्लू। तो ये जो बिल्लू सर्वर है इसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची, इन्होंने उसकी कुछ प्रोसेसिंग की, उसको कुछ देखा, कुछ भाला, और फिर उन्होंने एक साहब के पास उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने ये सारे का सारा जो माल मता था गालिब साहब को फॉरवर्ड कर दिया। गालिब साहब के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंची, उन्होंने उसको कुछ एनालाइज किया, उन्होंने देखा कि जनाब ये टॉम पीटर साहब की बाकी पुरानी हिस्ट्री इंश्योरेंस की कैसी है, हालात खासे ठीक ठाक थे। टॉम पीटर साहब ने कहा था कि ना तकरीबन $300 लगेंगे ये जो नुकसान हुआ है मेरा उसको ठीक करवाने में, उनके ख्याल में एवरीथिंग इज फाइन, उन्होंने उसको ओके कर दिया। तो गालिब साहब ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखी, उसको एनालाइज किया और उन्होंने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन जो है उन्होंने वो जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास आई थी उसके साथ लिखा और वापस उस सर्वर के पास भेज दिया, यानी बिल्लू के पास भेज दिया। बिल्लू साहब ने उसमें बिल्लू सर्वर जो है उसने कुछ उस पर प्रोसेसिंग की, उसको बात चीजों को चेक किया और फिर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने वापस न्यूयॉर्क सिटी में जो एक्मी इंश्योरेंस कंपनी का सर्वर था उसके पास उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को भिजवा दिया। अब उस सर्वर ने अगेन अपनी तरफ से थोड़ी सी चेकिंग की, एवरीथिंग वॉज फाइन। तो $300 देने थे, उस सर्वर के पास टॉम पीटर साहब के जो बैंक अकाउंट है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उसने उस बैंक को एक मैसेज भेजा कि जनाब हमारी तरफ से इनको $300 दे दिए जाए। तो टॉम पीटर साहब के बैंक अकाउंट में $300 का उसी वक्त इजाफा हो गया। ना सिर्फ ये, बल्कि उस सर्वर ने टॉम पीटर साहब को एक ईमेल भी भेजी जिसमें उन्होंने कहा जनाब हमने आपका क्लेम मौसूल किया, एवरीथिंग इज फाइन, आपने जितने पैसे आप क्लेम कर रहे हैं वी आर ओके विद दैट एंड वी हैव डिपॉजिटेड दैट मनी इन योर बैंक अकाउंट। मजे की बात यह है कि यह एक्सीडेंट कल हुआ था। मजे की बात यह है कि इस पर डिसीजन आज हो चुका है। टॉम पीटर्स के पास यह मैसेज पहुंच चुका है, अभी उन्होंने पढ़ा नहीं क्योंकि अभी तो वो सो रहे हैं। जहां पे वो रहते हैं पाकिस्तान के लिहाज से वहां पे तो इस वक्त रात का वक्त है। तो दोबारा इस बात को समराइज करें कि पूरा प्रोसेस क्या हुआ। प्रोसेस यह हुआ कि फैक्स मशीन से मैसेज जो है गया न्यूयॉर्क में एक सर्वर के पास, वहां से वो आया भोला ई सर्विसेज का सर्वर जो है उसके पास, उसने गालिब साहब के पास फॉरवर्ड किया, गालिब साहब ने उस पर कुछ प्रोसेसिंग की और वापस अपने सर्वर के पास फॉरवर्ड किया, और उसने फिर आगे उसे एक्मी इंश्योरेंस का जो सर्वर न्यूयॉर्क में उसके पास भेज दिया। और उसने दो काम किए फिर, एक तो ये कि उसने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए और दूसरे ये कि टॉम पीटर साहब को एक मैसेज भी भेज दिया कि एवरीथिंग इज डन नाउ। यहां पे की बात यह है कि ये सारे का सारा काम जो है तकरीबन 20 घंटे में हो गया। जिस मोमेंट पे टॉम पीटर साहब ने वो फॉर्म फिल किया और जितनी देर में उनके पास वापस जवाब पहुंचा इसमें सिर्फ 20 घंटे लगे। ये जो प्रोसेस था इसमें से कुछ काम तो अमेरिका में हुआ, लेकिन अच्छा खासा काम जो है वो पाकिस्तान में हुआ।
जनाब, यहां पे जो की क्वेश्चन है वो ये कि इस सारे प्रोसेस का कुछ काम पाकिस्तान में क्यों हुआ, ये इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस क्लेम की जो प्रोसेसिंग थी ये लाहौर में क्यों हुई, ये अमेरिका में ही क्यों नहीं कर ली गई, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह बड़ी सादी है जनाब, क्योंकि ये जो प्रोसेस हुआ है टॉम पीटर्स से एक्मी, एक्मी से लाहौर, लाहौर से एक्मी और वापस टॉम पीटर्स को, इस सारे प्रोसेस में तीन पार्टियां जो इन्वॉल्व हैं उनको बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में उस फॉर्म की प्रोसेसिंग हुई थी। टॉम पीटर साहब को यह फायदा हुआ है कि उनको बड़ी जल्दी जवाब मिल गया, क्योंकि वहां पे तो रात है, यहां पे दिन है, यहां पे फिर भी काम हो रहा है। वाइल इज स्लीपिंग हिज क्लेम इज बींग प्रोसेस्ड ओवर हियर। ना सिर्फ ये, यहां पे जो लोग उसे प्रोसेस कर रहे हैं उनकी तनख्वाह उतनी नहीं है जितनी कि न्यूयॉर्क सिटी में होगी, तो इससे टॉम पीटर साहब का जो प्रीमियम है वो भी जरा कम हो गया। एक्मी इंश्योरेंस को क्या फायदा हुआ? वो यही कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गई है, उनका काम प्रोसेसिंग का, इंफॉर्मेशन क्लेम प्रोसेसिंग का अब जरा सस्ता हो रहा है, मे बी 50% डिस्काउंट पे हो रहा है। और भोला ई सर्विसेज को क्या फायदा है? उनको जबरदस्त फायदा है, उनका बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, उनको इतने पैसे मिलते हैं कि उनके बिजनेस की जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 60 से 80% तक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसका हमने शायद पहले भी तذکرہ किया था और शायद अकाउंटिंग में भी आप इसका तذکرہ सुने। एनीवे 60 to 80% इज अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न, सो भोला ई सर्विसेज इज डूइंग गुड बिजनेस। इस सारी बात का लुब्बे लुबाब यह है, यानी की पॉइंट यह है कि जनाब भोला ई सर्विसेज एक बिजनेस कर रहा है इस वक्त। उस बिजनेस में खास बात यह है कि दे आर सप्लाइंग ए सर्विस यूजिंग लोकल अट्रैक्टिवली प्राइस टैलेंट, यानी वो एक सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, उसमें जिन लोगों को इंप्लॉय कर रहे हैं उस सर्विस सप्लाई करने के लिए उनकी तनख्वाहें तो पाकिस्तानी है, लेकिन जो वो रेट चार्ज करते हैं फ्रॉम एक्मी इंश्योरेंस वो खासा ज्यादा है। एक्मी इंश्योरेंस जो का एक रिमोट क्लाइंट है जो ओवरसीज है, काम यहां पे हो रहा है और क्लाइंट ओवरसीज है, और सबसे मजे की बात यह है कि ये काम सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है कि इंटरनेट एग्जिस्ट करता है। ये सारे का सारा काम, दैट इज द सप्लाइंग ऑफ द सर्विस यूजिंग द लोकल टैलेंट फॉर दिस ओवरसीज क्लाइंट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज इंटरनेट इज देयर। इंटरनेट ना होता तो शायद ये काम फीजिबल ना होता। और भोला ई सर्विसेज के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे आर मेकिंग वेरी वेरी गुड मनी, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी वाइल डूइंग दिस इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग बिजनेस इन लाहौर फॉर अ क्लाइंट विच इज सिटिंग इन न्यूयॉर्क सिटी। तो जनाब मेन बात यह हुई कि इस सूरत हाल में, इस सिनेरियो में की एनेबलर जो है इस बिजनेस का, भोला ई सर्विसेज का की एनेबलर जो है वो क्या है? इंटरनेट। ये बिजनेस हो रहा है इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट जो है बिजनेस के लिए एक बड़ा जबरदस्त इनेबलर बन गया है। बहुत सारी चीजें जो पहले पॉसिबल नहीं थी अब इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि ये जो लोकली अट्रैक्टिवली प्राइस्ड जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको हम यूज करके एक क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं जो कि हजारों मील दूर हमसे बैठा है, एंड इट इज एनेबल्ड, दिस सर्विस इज इनेबल्ड बाय द इंटरनेट। और क्या पॉसिबल है? बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। इंटरनेट के जरिए हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जो हमसे हजारों मील दूर बैठे हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको हम मैसेजेस भेज सकते हैं, उनके साथ हम चैट कर सकते हैं, उनके साथ हम ऑडियो चैट कर सकते हैं। और मजे की बात है कि चैटिंग, ईमेलिंग, ये ऑडियो चैट बहुत इनएक्सपेंसिवली कर सकते हैं। इंटरनेट से पहले ये पॉसिबल नहीं था, पहले ये चीजें पॉसिबल थी लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ना सिर्फ ये कि मैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं, ऐसे लोग जो मेरे से बहुत दूर बैठे हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं उनकी मशीनों पे, उनके कंप्यूटर्स पे यहां बैठे बैठे प्रोग्राम्स भी रन कर सकता हूं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। अगर मेरे पास एक बड़ी मुश्किल सी प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये कि मैं खरीद लूं, मैं गरीब आदमी, मैं नहीं खरीद सकता, या ये कि मैं थोड़े अरसे के लिए इंटरनेट पे एक सुपर कंप्यूटर जो है वो हायर कर लूं, 1 घंटे के लिए हायर कर लूं। पैसे तो खासे देने पड़ेंगे लेकिन कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द सुपर कंप्यूटर वो इतने ज्यादा नहीं है। तो होगा ये कि वो सुपर कंप्यूटर कहीं और पड़ा है, फर्ज करें जापान में पड़ा है, मैं यहां पे बैठा हूं, मैं अपने पीसी के जरिए उस सुपर कंप्यूटर पे 1 घंटे के लिए कोई प्रोग्राम रन कर सकता हूं।
For that 1 hour, I'll have a limited amount of control over the working of that supercomputer, which is maybe sitting in Tokyo. ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कम्युनिकेशंस, और उसके अलावा रनिंग अ रिमोट कंप्यूटर, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट इज द की एनेबलर विच हैज इनेबल्ड मी टू डू दीज थिंग्स. इससे पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी. इंटरनेट जनाब, इट्स अनलाइक एनी प्रीवियस ह्यूमन इन्वेंशन. ह्यूमन काइंड ने, हमारी ये जो ह्यूमन रेस है, बेशुमार इन्वेंशंस की हैं, बेशुमार, लेकिन दिस इज अनलाइक एनीथिंग एल्स. और वजह उसकी क्या है कि इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिसोर्स. इट इज एक्सेसिबल टू एनीबडी हु वांट्स टू एक्सेस इट. एनीबडी जो चाहे इस रिसोर्स को यूज कर सकता है. आज तक ऐसी इन्वेंशन कोई नहीं हुई थी, आज तक ऐसी फैसिलिटी सारी दुनिया के लोगों को कभी नहीं मिली थी. जहां बैठे हैं वहां से आप इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हां, थोड़ी कॉस्ट है, पांच लोगों के लिए कॉस्ट शायद बहुत ज्यादा हो, लेकिन कंपेयर टू मेनी अदर थिंग्स, वो कॉस्ट को इतनी ज्यादा नहीं है. सो इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिसोर्स एक्सेसिबल टू ऑल द ह्यूमन काइंड. दैट इज यूनिक. ऐसा ह्यूमन हिस्ट्री में शायद पहले कभी ना हुआ था. एक सर्वे हुआ था जिसके तहत उन्होंने अंदाजा लगाया कि 2002 में टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स कितने होंगे दुनिया में. उनका ख्याल था 673 मिलियन. ये कितने हुए? अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. सो इंटरनेट जो है वन रिसोर्स, इट इज अवेलेबल टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ. तकरीबन 700 मिलियन लोगों को एक ही जैसी चीज अवेलेबल है इफ दे वॉन्ट टू एक्सेस इट. इनफैक्ट दे आर एक्सेसिंग इट. बाकी जो रह गए हैं, बाकी 5-6 बिलियन जो लोग हैं दुनिया में, दे हैव द एबिलिटी इज वेल. अब ये और बात है, बाज़ लोगों के लिए मुश्किल होगा, उनके पास कंप्यूटर नहीं है या टेलीकॉम के रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट. तो एक ऐसा रिसोर्स है, द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, कि आप जब चाहें, जहां से चाहें और जो चाहे उसको एक्सेस कर सकता है. तो इस साल में तो तकरीबन 700 मिलियन, लेकिन 2005 में प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग कि टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स तकरीबन 1 बिलियन हो जाएगी, बल्कि उससे भी एक्सीड कर जाएगी. और इंटरेस्टिंग बात यह कि इनमें से तकरीबन आधे जो होंगे वो इंटरनेट को वायरलेस कनेक्शन के जरिए एक्सेस करेंगे. वजह उसकी यह है कि ये सेल फोन्स और ऐसी और डिवाइसेज आम होती जा रही हैं, और सेल फोन्स आपको पता है कि वायरलेस डिवाइसेज हैं, इसके जरिए जल्द ही अक्सर लोग जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे. तो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इज इंक्रीजिंग, लेकिन नंबर ऑफ वायरलेस इंटरनेट यूजर्स इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी वेरी रैपिड रेट. ये जो भी मैंने नंबर्स बताए तो सारी दुनिया के बारे में थे, पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन शायद थोड़ी सी स्केची हो, लेकिन मुझे एक नंबर जो मैंने इंटरनेट पर सर्च करके तलाश किया वो ये था कि जनाब मई 2000 में 1.2 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे पाकिस्तान में. सो दैट इज अ बिट लेस देन 1%, 0.8-0.9%. अब आज 2 साल के बाद शायद उनकी तादाद दुगनी हो चुकी हो, सो मे बी 2% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज यूजिंग द इंटरनेट राइट नाउ. 2% बड़ा एक छोटा सा नंबर है. अगर आप इसे कंपेयर करें बाज और मुल्कों से, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो नंबर अवेलेबल हैं फॉर 2002, 54%, सिंगापुर के लिए 51%, जापान 39%, चाइना 3%. सो 2% इज अ नंबर विच इज नॉट वेरी इंकरेजिंग, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस नंबर में खासी तेजी से इजाफा हो रहा है. तो आप देख रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में एक की डिफरेंस जो है वो इंटरनेट एक्सेस का है. ऑस्ट्रेलिया इज अ डेवलप्ड कंट्री 54%, चाइना इज अ डेवलपिंग कंट्री 3%. तो ये तो कुछ नंबर्स थे, लेकिन अब हम बात करते हैं इंटरनेट के बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं इंटरनेट की जिनके बारे में हमें एज कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स कुछ पता होना चाहिए. सबसे पहली बात तो ये,
और इसका मैं पहले भी तذکرہ कर चुका कि इसकी ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो इंटरनेट की है कि इट इज ग्लोबल, इट रीचेज एवरीवेयर, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर. दूसरे ये कि इसका आर्किटेक्चर बहुत रोबस्ट है. इससे मुराद ये है, फर्ज करें कि मैंने एक मैसेज भेजा, वो यूं यूं करके जा रहा था, उसे पता लगा सामने वाला लिंक जो पहले हुआ करता था अब टूट चुका है, खत्म हो चुका है, तो वो यूं करके चला जाएगा किसी और लिंक से. यानी मेरे मैसेज को स्टॉप नहीं किया जा सकता. इंटरनेट जो है ये अडेप्ट करता है, अगर कोई डैमेज होता है ना तो ये अपने आप को चेंज करता है ताकि उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके. अगर कोई एरर आता है कि फर्ज करें मेरा एक पैकेट है वो उसमें कोई एरर आता है, तो इंटरनेट की प्रोटोकॉल कुछ ऐसी है कि मैं ऑटोमेटिकली जो पैकेट जिसमें एरर आया था उसको दोबारा भेज देता हूं. इसके अलावा ये भी कि इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज है. अगर अच्छे चैनल्स आपके पास हों तो स्पीड ऑफ लाइट भी एक लिहाज से काम हो रहा होता है. इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल जो हैं तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रेवल कर रहे होते हैं. ये और बात है कि मैं अपने घर से जब इंटरनेट को कनेक्ट करता हूं तो मैं तो फोन लाइन के जरिए कर रहा हूं, और उसमें जो मैक्सिमम मैं कर सकता हूं वो 56 किलोबिट का मेरा मॉडेम है, उससे मैं एक्सीड नहीं कर सकता. लेकिन एटलीस्ट इट्स पॉसिबल कि मैं एक बहुत तेज कनेक्शन ले सकूं, मैं एक T1 या T3 कनेक्शन अपने घर में लगवा सकूं जिसके जरिए मैं बड़ी आसानी से और हाई स्पीड पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकूं. द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट. यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो मेरे ख्याल में इंटरनेट की सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है. एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम कैन एक्सेस द इंटरनेट. ग्रोथ रेट जो है इंटरनेट का, दैट इज अमेजिंग. हर हफ्ते मेरे ख्याल में 2-3 मिलियन नए यूजर्स जो हैं वो इंटरनेट को यूज करना शुरू करते हैं. और जाहिर है नए यूजर आएंगे तो इंटरनेट का साइज खुद ब खुद बढ़ जाएगा, उसमें खुद ब खुद नए कंप्यूटर्स ऐड होंगे, नए लिंक्स ऐड होंगे, नए कम्युनिकेशन चैनल्स ऐड होंगे जस्ट टू सपोर्ट दोज यूजर्स. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो इंटरनेट के बारे में है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच. इंटरनेट पे कंट्रोल्स कोई नहीं है, केओस है. इस पे जो आदमी जो चाहे कर सकता है, कह सकता है, दिखा सकता है लोगों को. तो यू नो इससे कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. लेकिन की पॉइंट यही है कि इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह यूज करते हैं इंटरनेट को, अच्छे कामों के लिए या फिर गलत इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए. लेकिन कंट्रोल कोई नहीं है. नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ट्रांसमिटिंग राइट और रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट का एक की एडवांटेज जो है ना वो इसका उसकी डिजिटल नेचर है. मैं आपको यहां से वहां मैसेज अगर भेजता हूं तो मैसेज में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा सा नॉइज आ सकता है. लेकिन डिजिटल मैसेज ऐसे होते हैं कि उमूमन उनमें इस नॉइज से जो इफेक्ट्स होते हैं उनको करेक्ट करना खासा आसान है. सो इंटरनेट की जो डिजिटल नेचर है उसकी वजह से इसके अंदर जो एरर्स हैं उनको करेक्ट करना खासा आसान है. इसलिए अगर मैं मैसेज यहां से कहीं भेजता हूं देयर इज अ गुड चांस कि वही मैसेज जो मैंने भेजा है वही वहां पे पहुंचेगा, उसकी कोई गलत सलत सूरत वहां पे नहीं पहुंचेगी. इंटरनेट दो हिस्से हैं नाम के, इंटर और नेट. और इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इंटरनेट में ऐसा है कि देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स, वो आपस में फिजिकली कनेक्टेड है. दैट्स वाई वी कॉल इट इंटरनेट. इंटरनेट इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ये सारे के सारे नेटवर्क जो इस इंटरनेट कम्युनिटी का हिस्सा है ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. दैट इज द की पार्ट अबाउट इट. ये आपस में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं. ना सिर्फ ये, फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेट जो है इट लुक्स लाइक वन यूनिफाइड नेटवर्क. हालांकि इट इज मेड अप ऑफ मेनी मेनी डिफरेंट नेटवर्क्स, लेकिन यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता यही कि जनाब ये एक सिंगल नेटवर्क है, यूनिफाइड नेटवर्क है, इसका आर्किटेक्चर जो है यूनिफाइड है. यही एक वजह है जिसकी वजह से इंटरनेट की ग्रोथ बड़ी तेजी से हुई है. क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ अर्सा पहले डिफाइन कर दिया कि इंटरनेट में अगर आपने अपना नेटवर्क कनेक्ट करना है तो इट हैज टू फॉलो सर्टन रूल्स. नाउ ऑल दोज नेटवर्क्स विच वर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट के बाद में पार्ट बन गए, दे ऑल फॉलो द सेम रूल्स, दे स्पीक द सेम लैंग्वेज. इसलिए
यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट सीम्स लाइक वन नेटवर्क जिसमें होमोजेनिटी है, जिसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। देखे ना, अब यहां से आप किसी और मुल्क में जाएं, हो सकता है गाड़ियां बजाय दाएं के बाएं पे चलें या बाएं के दाएं पे चलें। इंटरनेट में ऐसा नहीं है, सारी गाड़ियां जो हैं वो एक ही तरफ चलती है। द रूल्स आर द सेम नो मैटर विच सब नेट ऑफ इंटरनेट यू आर यूजिंग, द रूल्स आर एग्जैक्टली द सेम। इंटरनेट अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तीसरे लेक्चर में जब हमने वेब की बात की थी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई ये इंटरनेट एक चीज होती है, एक वेब होता है, इनमें क्या फर्क है, क्या ये एक ही चीज है? आप में से बाज ने जवाब दिया था और बाज को अब भी वो जवाब याद होगा, नहीं, दे टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। इंटरनेट और वेब एक चीज नहीं है, वेब इज अ सर्विस विच रन्स ऑन द इंटरनेट, याद है आपको? सो दोबारा कि इंटरनेट और वेब जो है दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इनफैक्ट यू कुड से वेब इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट बट नॉट द अदर वे अराउंड। एक और सवाल, आपने इंटरनेट से सुना है, क्या आपने इंट्रानेट सुना है? इंटरनेट की बजाय इंट्रानेट, ये दोनों क्या चीजें हैं, इनमें क्या फर्क है, या ये एक ही चीज है? आप में से बाज को शायद इल्म हो इस बात का कि नहीं, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। एक यानी मोटी मोटी सी जो मैं आपको बात इसके बारे में बता सकता हूं वो यही कि इंटरनेट जो है इट्स अ पब्लिक नेटवर्क, वेयर एज इंटरनेट्स आर ऑलवेज प्राइवेट। इंटरनेट्स आर लिमिटेड एक्सेस नेटवर्क्स, उसको सिर्फ खास खास लोग, खास खास कंप्यूटर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट जो है इट इज अवेलेबल टू एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। अब हमने जब कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात की थी, हमने कहा था कि जितने भी नेटवर्क्स हैं दे फॉलो अ प्रोटोकॉल, और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे भी एक प्रोटोकॉल फॉलो की जाती है, यानी देयर इज वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज दैट ऑल द नेटवर्क्स विच आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट जिसको वो फॉलो करते हैं, वो लैंग्वेज क्या है, उसको कहा जाता है TCP/IP। सो इनफैक्ट दो प्रोटोकॉल्स हैं जिसपे इंटरनेट चलता है, एक का नाम है TCP और दूसरे का नाम है IP, लेकिन अक्सर औकात जब भी आप इनमें से किसी एक का नाम सुनेंगे साथ दूसरे का भी होगा। तो आइए इनको जरा देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स क्या करती हैं, इनके इंडिविजुअल रोल्स क्या हैं इंटरनेट को चलाने में। जनाब, TCP से मुराद है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP से मुराद है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो दो प्रोटोकॉल्स हैं, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट पे जितने भी नेटवर्क्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ऑल ऑफ देम दे फॉलो दिस प्रोटोकॉल। जब भी उन्होंने इंटरनेट पे कोई कम्युनिकेशन करनी होती है, कोई मैसेज रिसीव या सेंड करना होता है, दे आर ऑलवेज फॉलोइंग दीज टू प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल जो है बहुत अरसा पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप की थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेकिन अब तो तकरीबन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन सब पे ये प्रोटोकॉल जो है अवेलेबल है। पहले हम बात करते हैं TCP की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की। TCP जो है ये क्या करती है, अगर किसी कंप्यूटर ने एक मैसेज भेजना है किसी और कंप्यूटर को, तो TCP के जरिए हम उस मैसेज के टुकड़े टुकड़े करते हैं और उसको हम पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हमने को मैसेज भेजना होता है इंटरनेट पे, तो पहले हम मैसेज को लेते हैं, उसके हिस्से बखरे करते हैं जिनको हम पैकेट्स का नाम देते हैं, फिर भेजते हैं। अब ये पैकेट्स जब इंटरनेट पे जाते हैं तो इनको जो इनकी राउटिंग जो होती है, इनको जो गाइड किया जाता है कि तुमने इधर से उधर से इधर से उधर से जाना है, ये चीज कौन सी चीज डिटर्मिन करती है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल करती है। तो TCP जो है वो टुकड़े करती है और फिर IP जो है वो बताती है उन टुकड़ों के भाई तुमने किस तरह अपनी मंजिल पे पहुंचना है। और जब ये पैकेट्स अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, TCP दोबारा इन प्ले आती है, TCP दोबारा काम में आती है। अब TCP ये करती है कि वो जो नन्हे नन्हे पैकेट्स आए थे उनको एक तरतीब से रख के उनसे वो जो ओरिजिनल मैसेज था वो अखज करती है TCP। तो TCP से पैकेट्स बने, वो जो पैकेट पहुंचे डेस्टिनेशन तक वो IP के थ्रू पहुंचे, और बाद में जब हमने अपने मैसेज को रीअसेंबल करना है तो उसके लिए दोबारा हम TCP यूज करते हैं। तो TCP फिर IP और फिर TCP, इस तरह एक मैसेज यहां से वहां तक पहुंचता है। अब जनाब हम बात करते हैं कुछ टूल्स की और सर्विसेज की जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। मैंने पहले भी इसका तذکرہ किया लेकिन
अब दोबारा कर लेते हैं, इंटरनेट पे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, पॉप की प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए शायद आप रिसीव करते हैं, IMAP की प्रोटोकॉल है, SMTP की प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए आप ईमेल सेंड करते हैं। इंटरनेट मैसेजिंग जो है, इंस्टेंट मैसेजिंग आजकल खासी पॉपुलर होती जा रही है, उसके लिए बतरे लोग जो ICQ यूज़ करते हैं, MSN यूज़ करते हैं, इनकी अपनी अपनी प्रोटोकॉल्स हैं, सिलसिले में प्राइवेट प्रोटोकॉल्स हैं। एक खासी पुरानी प्रोटोकॉल जिसके ज़रिए आप किसी कंप्यूटर पे जो आपसे बहुत दूर पड़ा है रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं, बहुत दूर के करीब भी पड़ा हो लेकिन आप अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है उसे हम टेलनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे कोई फाइल लेके आनी हो या फिर अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे फाइल लेके जानी हो, उसके लिए यानी इस फाइल ट्रांसफर के लिए एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, उसका नाम बड़ा सादा सा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर शॉर्ट में उसे कहते हैं FTP। एक और चीज जो अब शायद इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है वो नेटवर्क न्यूज है, इसके लिए NNTP की प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, यानी इसके जरिए लोग जो हैं मैसेजेस शेयर करते हैं एक दूसरे से। अब बजाय नेटवर्क न्यूज के उसे डिस्कशन ग्रुप्स कहा जाता है, उसे फोरम्स कहा जाता है, उसको मैसेज बोर्ड कहा जाता है, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो एक जगह पे जाके अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। मैं जाके अपना वहां पे मैसेज टांग देता हूं, कोई और साहब आते हैं वो उसके जवाब में कुछ और लिख देते हैं, फिर कोई और साहब आते हैं वो उसके जवाब में कुछ और लिख देते हैं। सो एक लिहाज से एक डिस्कशन सी हो रही है, एक फोरम सा बन गया है, दैट इज अनदर सर्विस विच इज क्वाइट यूजफुल विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अक्सर मुझे जब मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है या मुझे और कोई इशू होता है तो दैट्स वेयर आई गो टू द डिस्कशन बोर्ड्स। मजेदार प्रोटोकॉल तो खैर HTTP है, जिसके जरिए हम लोग वेब को एक्सेस करते हैं, वेब के जरिए हम इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों से शेयर करते हैं, दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन देखते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन उन्हें फराहम करते हैं। वेब इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। ये बाकी जो हैं ये भी खासी पॉपुलर हैं। इन सब सर्विसेज एंड टूल्स के बारे में हमने आज तो बस जरा सी बात की, लेकिन अगली दफा इस पर हम थोड़ी सी मजीद डिटेल में बात करेंगे। अब जो चीज हम करना चाहते हैं, अब हम जरा इंटरनेट के एवोल्यूशन की तरफ आना चाहते हैं, यानी इंटरनेट शुरू कैसे हुआ, उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स थे जिससे इवॉल्व होके ये इंटरनेट आज वो बना है जिसको आज हम यूज करते हैं। तो आइए इंटरनेट की हिस्ट्री की तरफ एक नजर दौड़ाएं। हमें इंटरनेट की हिस्ट्री देखने के लिए 1960 की दहाई में जाना पड़ेगा, 60s। 1969 में अमेरिका में जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसकी एक एजेंसी है, एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स रिसर्च एजेंसी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क बनाया, उसका नाम उन्होंने बड़ा सादा सा रखा। क्यों था, किस लिए बनाया गया था, बड़ी सादी सी वजह थी, वो लोग जो हैं नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने टेस्ट बेड के तौर पर, एक लेबोरेटरी के तौर पर यह एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा आर्पानेट। अब ये नेट जो था इसके सिर्फ चार नोड थे शुरू में, और चार नोड क्या थे, अमेरिका की चार यूनिवर्सिटियां थी। तो शुरू में अब ये जो इंटरनेट है इसमें मिलियंस ऑफ नोड्स हैं, शुरू में 1969 में इट स्टार्टेड विद 4। और मकसद क्या था, मकसद ये था कि जो रिसर्चर्स जो साइंटिस्ट इन चार यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सके ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये चारों यूनिवर्सिटियां आसपास नहीं थी, खासी दूर भी थी एक दूसरे से। तो आर्पानेट जो है ना ये 60s यानी 69 में बना और 70s में ये खासा एक्सपैंड होता रहा। 70s में जो दो इंटरेस्टिंग बातें हुई थी वो नेटवर्किंग के टूल्स के बारे में हुई थी, कि नेटवर्किंग को के यूज को आसान बनाने के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट टूल जो थे वो 1970s में इन्वेंट हुए थे। उनमें सबसे पहला तो टेलनेट का टूल था, इट्स अ प्रोटोकॉल। ये कहां बना था, ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर जो अमेरिका में है, NCSA शायद कहलाता है, वहां पे इसको इन्वेंट किया गया था। इससे आप करते क्या है, टेलनेट के जरिए अगर एक कंप्यूटर आपसे दूर पड़ा हुआ है, रिमोटली पड़ा हुआ है, उसको उसके रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, उस कंप्यूटर को एक लिहाज से आप रन कर सकते हैं यूजिंग टेलनेट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल था, इसके जरिए लोग रिमोटली कंप्यूटर्स को यूज करने लगे क्योंकि ऐसा करना आसान हो गया था।
दूसरी चीज जो हुई, दूसरा जो टूल इंटरेस्टिंग था 70s में जो इन्वेंट हुआ वो था एफटीपी। 1973 में ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका यूज शुरू हुआ। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बड़ा सादा सा है कि मेरे पास कुछ फाइलें हैं वो मैं किसी रिमोट कंप्यूटर पे डालना चाहता हूं, तो मैं एफटीपी के जरिए उस फाइल को ट्रांसफर करता हूं, और अदरवाइज कि वहां पे कुछ फाइलें हैं जिसको मैं अपने पास डाउनलोड करना चाहता हूं तो वो भी मैं एफटीपी के जरिए ही करता हूं। तो 1970s में ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, यानी टेलनेट और एफटीपी जो है इसका यूज शुरू हुआ। 80s में मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ इंटरनेट की हिस्ट्री में, वो ये कि 80s में डिसाइड ये किया गया कि आइंदा से ये जो हमने आर्पानेट बनाया है इस पे सिर्फ एक जुबान बोली जाएगी, सिर्फ एक जुबान, यानी जुबान को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि आइंदा से इस पे और कोई जुबान नहीं बोली जाएगी, इस पे सिर्फ TCP/IP बोली जाएगी, सिर्फ एक बोली। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा यह हुआ कि आर्पानेट को यूज करना आसान हो गया, क्योंकि शायद उससे पहले आपको मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए था, तब जाके आप सारे के सारे आर्पानेट को यूज कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक जुबान, आर्पानेट जो है वो यूनिलिंगुअल हो गया, उस पर सिर्फ एक ही जुबान समझी जाने लगी और बोली जाने लगी, उससे यूजर्स को खासी आसानियां पैदा हुई। एक और बात यह कि ये स्टैंडर्ड जो बन गया ना, TCP/IP इंटरनेट का एक स्टैंडर्ड बन गया, इससे लोगों को समझ आनी शुरू होगी कि भाई स्टैंडर्ड्स होंगे, कॉमन स्टैंडर्ड्स होंगे, उससे आसानियां पैदा होंगी। तो इन स्टैंडर्ड्स की के यूज में इजाफा होता गया, उससे फायदा यह हुआ कि इंटरनेट पे अगर आपने अपना नेटवर्क कनेक्ट करना था उसमें आपको आसानी पैदा हो गई, तो इस तरह इंटरनेट की ग्रोथ जो थी ना वो तेजी से होने लगी, क्योंकि इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट करना आसान हो गया, और उसकी वजह यही कि आपको सिर्फ एक बोली बोलने की जरूरत थी, एंड यू कुड गो एनीवेयर ऑन द इंटरनेट एंड द सेम लैंग्वेज वॉज एप्लीकेबल ओवर देयर एज वेल। अब ये हुआ ये 80s में ही कि आर्पानेट का साइज खासा बड़ा हो गया, एक चीज तो ये थी, और दूसरे ये कि शुरू में आर्पानेट वॉज बींग यूज बाय दीज यूनिवर्सिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन प्लस द मिलिट्री एज वेल। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सोचा कि जनाब ये तो जरा ठीक नहीं है, तो उन्होंने आर्पानेट के दो हिस्से कर दिए, एक का नाम तो उन्होंने आर्पानेट ही रखा, दूसरे का नाम उन्होंने मिलनेट रख दिया। तो इस तरह जो मिलिट्री वाली इंफॉर्मेशन थी वो एक खास हिस्से में आ गई, और आर्पानेट की जो नॉन मिलिट्री वाले कंप्यूटर्स थे वो एक खास हिस्से में आ गए, और ये दोनों हिस्से सेपरेट कर दिए गए। अब जनाब हम 80s में ही एक और चीज, एक बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ चलते हैं, वो है कि 80s में शुरू अर्ली 80s में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ गए। शुरू के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे उन पे ये एमएस डॉस या विंडोज तो नहीं चलती थी, उनमें उन पे ये यूनिक्स जैसी ही कुछ चीजें चला करती थी। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि यूनिक्स में जो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है ना दैट इज बिल्ट इन, तो इसका मतलब है शुरू के जितने भी कंप्यूटर्स थे दे वर नेटवर्क रेडी, और फिर यही हुआ कि लोग बड़ी आसानी से इन कंप्यूटर्स के जरिए इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते थे, और टेलनेट के जरिए जाके इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर्स थे उनको यूज कर सकते थे, यानी जिन जिन कंप्यूटर्स के पास के लिए इन यूजर्स के पास एक्सेस मौजूद थी उनको एक्सेस कर सकते थे। तो दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट कि ये सस्ते से सादे से कंप्यूटर्स जो हैं ये मिलने शुरू हो गए, और इनके जरिए इंटरनेट को कनेक्ट करना आम यूजर्स के लिए जरा आसान हो गया। ये पीसी रेवोल्यूशन जो है जनाब ये तो 80s में बस चलता ही रहा, पर्सनल कंप्यूटर्स की तादाद में इजाफा होता रहा, और उसकी वजह से इंटरनेट यूजर्स की तादाद में भी इजाफा होता रहा। खैर उस जमाने में उसे इंटरनेट तो नहीं, आर्पानेट ही कहा करते थे, तो उन यूजर्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। अब जनाब 85-86 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, वो ये कि NSF ने अमेरिका के जो 6 सुपर कंप्यूटिंग के सेंटर थे उनको आपस में एक नए नेटवर्क के जरिए जोड़ा, उसका नाम उन्होंने रखा NSF नेट, या बाज़ोकात उसे NSF नेट बैकबोन भी कहा जाता है। तो ये जो 6 सेंटर थे जहां पे कंप्यूटर्स के बारे में खासी रिसर्च होती थी इनको इस NSF नेट बैकबोन के जरिए जोड़ दिया गया। ये NSF नेट की जो बैकबोन थी ये खासी मोटी बैकबोन थी, यानी इसमें से खासा डेटा ट्रांसफर हो सकता था, इसकी बैंडविड्थ अपने जमाने के लिहाज से अच्छी खासी थी।
तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो छह अजीम सेंटर्स थे रिसर्च के, कंप्यूटिंग की रिसर्च के, इनके दरमियान कम्युनिकेशन आसान हो गई। ना सिर्फ आसान हो गई बल्कि क्योंकि मोटी बैकबोन थी इसलिए खासी तेज भी हो गई। तो ये तो एक स्टेप था। एक और स्टेप भी उन्होंने साथ ही लिया, वो ये कि ये तो एक बैकबोन बन गई ना एक नेटवर्क की, उसके अलावा उन्होंने छोटे छोटे बाज रीजनल नेट्स भी बनाने शुरू कर दिए जो फिर इस बैकबोन से कनेक्ट होते थे। इन रीजनल नेट्स को एनएसएफ ने बहुत प्रमोट किया, और उन्होंने इस तरह प्रमोट किया कि जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है इस रीजनल नेट से कनेक्ट करना चाहते थे, उनको एनएसएफ ने सपोर्ट फराहम करनी शुरू की। तो होता यह था कि ये जो इंस्टीट्यूशन थे ये रीजनल नेट से कनेक्ट होते थे, फिर रीजनल नेट जो है पूरे का पूरा जाके बैकबोन से कनेक्ट हो जाया करता था। तो एनएसएफ की सपोर्ट की वजह से इस नेटवर्क का, ये जो एक बड़ा सा नेटवर्क विच कंसिस्टेड ऑफ द बैकबोन प्लस द रीजनल नेटवर्क्स, ये नेटवर्क जो था इसने बड़ी तेजी से, बल्कि मजीद तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया। 1987 में एनएसएफ ने कहा कि जनाब ये काम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, हमारे बस की बात नहीं। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी जो है उसे सिलेक्ट किया, मेरिट नेटवर्क्स इंक शायद वो कहलाती थी, और उन्हें कहा कि जनाब अब आप एनएसएफ नेट को चलाएं। मेरिट ने ये किया कि उन्होंने आईबीएम और एमसीआई जो कंप्यूटिंग और टेलीकॉम में बड़ी मशहूर कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेशन शुरू की, और बड़ी जबरदस्त किस्म की रिसर्च और डेवलपमेंट शुरू हो गई इस एरिया में कि ये इन नेटवर्क्स को किस तरह मोर इफिशियंट बनाया जाए। उन्होंने फास्ट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज जो हैं उस पर खासा रिसर्च का काम शुरू कर दिया। उससे ये जो एनएसएफ नेट था ये मजीद से मजीद इफिशियंट और तेज होता चला गया। अब 1989 में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो ये कि जो बैकबोन बनी थी ना इसको अपग्रेड कर दिया गया, इसको और मोटा बना दिया गया। 1989 में ये जो एनएसएफ नेट की बैकबोन बनी थी ये भी चोक होनी शुरू हो गई, यानी इससे इसके थ्रू भी जरूरत से ज्यादा डेटा बहना शुरू हो गया, तो इसकी बैंडविड्थ काफी नहीं थी। तो 1989 में इसको अपग्रेड किया गया और इसको T1 एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ले आए। तो T1 जो नेटवर्क कनेक्शन होता है उसकी बैंडविड्थ होती है 1.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी तकरीबन एक सेकेंड में आप एक टेक्स्ट बुक के 60 सफ़े भेज सकते हैं यूजिंग अ T1 कनेक्शन। तो ये 1989 में हुआ। बाय द वे, अगर आज आप चाहें पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर में, अगर अपने घर में आप एक T1 का कनेक्शन लगवाना चाहें तो एटलीस्ट इट इज पॉसिबल, शायद खासा महंगा पड़े लेकिन इट इज पॉसिबल। लेकिन उस जमाने में 1989 में 1.5 मैग बहुत बहुत ही जबरदस्त चीज हुआ करती थी। अब जनाब हम 90s में आ जाते हैं। 90s में आर्पनेट जो है उसे बंद कर दिया गया, उसे रिटायर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया आर्पनेट को, उसको डिसॉल्व कर दिया गया, और बस अब ये एनएसएफ नेट जो है ना ये जरा और शेप में और फॉर्म में नजर आने लगा। 1990s में जो दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हुए उसमें से पहला तो था गोफर प्रोटोकॉल एक बनी। गोफर जो है ना ये एक तरीका है जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक हायरार्कल मेन्यू बेस्ड सिस्टम में आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आपके सामने एक मेन्यू आता है, उसमें आप कुछ सेलेक्ट करते हैं, फिर एक और मेन्यू आता है, इस तरह मेन्यूज के जरिए, और आखिर में वो डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसकी आपको जरूरत होती है। तो मेन्यू से मेन्यू से मेन्यू, तो ये एक तरीका है जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसका फायदा ये है कि अगर आप किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को तलाश कर रहे हो उसको तलाश करना, उसको लोकेट करना आसान हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में 1991 में ये गोफर वाली प्रोटोकॉल जो हुई थी ये इन्वेंट हुई, उससे बड़ा फायदा हुआ, यानी आम आदमियों के लिए भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन तलाश करना आसान हो गया। लेकिन मेन इवेंट जो 1990s का था वो तो जाहिर है 1993 में हुआ। 1993 में सर्न, उसने ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसकी प्रोटोकॉल जो है इसको मंजरे आम पे लाए। इसमें जो कीस, इस प्रोटोकॉल का आर्किटेक्ट था वो तो जाहिर है टिम बर्नर्स-ली था, और इसमें HTTP वाली प्रोटोकॉल थी जिसके जरिए आप इन्फॉर्मेशन मंगवाते थे, भिजवाते थे, और हाइपर टेक्स्ट लिंक्स जो थे दैट वॉज द की इनोवेशन, कि आप किसी भी लिंक पे क्लिक करें और आप फिर उस लिंक से रिलेटेड पेज पे पहुंच जाते हैं। दिस रेवोल्यूशनाइज्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का तरीका, इट रेवोल्यूशनाइज इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के तरीके को। तो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, उसको एक्सेस करना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया बिकॉज ऑफ द वेब। सो दैट वॉज द की इवेंट
दैट इज इन 1993। तो मेरे ख्याल में TCP/IP के बाद जो सबसे बड़ा इवेंट इंटरनेट की लाइफ टाइम में हुआ है वो यही कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका तذکرہ शुरू हुआ, और इसका इन्वेंटर जिसे कहा जाता है वो जनाब टिम बर्नर्स ली थे। 1990s में और भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। 1993 में NSF नेट जो है इसकी बैकबोन को अपग्रेड कर दिया गया, बजाय 1.5 के अब ये 45 मेगाबिट पर सेकंड पे आ गई। इस टाइप के कनेक्शन को T3 कनेक्शन कहा जाता है। 45 मेगाबिट पर सेकंड का मतलब यह है कि तकरीबन 1800 पेजेस ऑफ अ टेक्स्ट बुक पर सेकंड आप सेंड कर सकते थे। तो इट वॉज अ क्वांटम लीप कंपेयर टू 1.5 मेगाबिट पर सेकंड। 1990s में जो सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ फ्रॉम अ कॉमन यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो था कि उस 1990s में वेब ब्राउजर्स भी इन्वेंट हुए। सबसे पहले तो मोजाइक आया, उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर भी आया। तो मेरे ख्याल में जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इंटरनेट की लाइफ टाइम में, पहला तो था TCP/IP की इन्वेंशन, फिर थी ये वर्ल्ड वाइड वेब की इन्वेंशन, और ये वेब ब्राउजर की इन्वेंशन। आई गेस दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द लाइफ टाइम ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि वेब ब्राउजर के जरिए आम लोग भी, उनके पास ये कैपेबिलिटी आ गई कि वो इंटरनेट को यूज कर सके। आम लोग जो है वो इसलिए उनके पास कैपेबिलिटी आई क्योंकि वेब ब्राउजर जो थे ये बहुत आसान थे यूज करने के लिए। इनका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो था वो क्वाइट इंटूटिव था। तो वेब ब्राउजर के जरिए मजीद लोगों ने इंटरनेट को यूज करना शुरू कर दिया, और ये मजीद जो है ये बढ़ता ही गया। लोगों की तादाद जो कि इंटरनेट को यूज कर रहे थे इस वेब ब्राउजर की वजह से वो स्काई रॉकेट करने लगी, उसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो गया। 1995 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ, यानी NSF नेट के पूरे आर्किटेक्चर को चेंज कर दिया गया, उसको अपग्रेड कर दिया गया, एक नया आर्किटेक्चर आ गया। ये आर्किटेक्चर जो था इट इज कॉल्ड VBNS। इसमें ये रीजनल नेटवर्क्स का आइडिया जो था इसको भी ज्यादा फरोग दिया गया। उसके अलावा नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स जो हैं वो कुछ डिफाइन कर दिए गए पूरे के पूरे इस आर्किटेक्चर में। तो ये लास्ट मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट था। उसके बाद जो चीजें हुई हैं वो टेक्नोलॉजिकली मेरे ख्याल में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। अ लॉट हैज हैपेंड सिंस 1995, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली शायद इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फ्रॉम अ यूजर्स प्रोस्पेक्टिव जो है वो इंटरनेट की जो ग्रोथ हुई है उसमें जो इवेंट्स हुए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका तो हम इस वक्त तذکرہ नहीं करेंगे। इस वक्त मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये बताइए कि इंटरनेट है, इस पे शायद मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, शायद मेरे ख्याल में 160 मिलियन का मैंने नंबर सुना था, 160 मिलियन यूनिक होस्ट्स हैं इंटरनेट पे। होस्ट्स क्या होते हैं इसको भी जाने दीजिए, सिर्फ ये समझ लीजिए कि 160 ऐसे कंप्यूटर हैं जो इंटरनेट का अक्सर काम करते रहते हैं। ये आपस में कनेक्टेड हैं, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ईच अदर। I can reach from any one of them to any other one. 160 मिलियन में से मैं जिस मर्जी पे जा सकता हूं, मैं घर बैठे चाहूं तो इनमें से किसी एक को भी एक्सेस कर सकता हूं। तो एक बहुत बड़ा निजाम है, बहुत कॉम्प्लेक्स निजाम है। सवाल ये पैदा होता है इस निजाम को कौन चला रहा है। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें 160 मिलियन होस्ट हैं और जिसकी होस्ट की तादाद में रोज बरोज हजारों लाखों में इजाफा हो रहा है, इसको कौन मेंटेन कर रहा है, इसको कौन चला रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कौन पुलिस कर रहा है, कौन कर रहा है? एक और बात ये कि जो इतना कॉम्प्लेक्स इतना अजीम सिस्टम है इसका मालिक कौन है, हु ओन्स इट? इंटरनेट को कौन ओन करता है, इसका कौन मालिक है? इन सवालों के बारे में आप कुछ रिसर्च कीजिए और हम सबको बताइए, हमें बताएं कि इंटरनेट को कौन चलाता है, इसको कौन ओन करता है, और इसका जवाब अगर आपके जहन में कोई आए तो मैसेज बोर्ड पे जरूर उसको मेंशन कीजिए। तो जनाब हम अब आज के लेक्चर के इख्तिताम पे पहुंचते हैं। आज हमने इंटरनेट पे डिस्कशन की। इंटरनेट वो एक अजीम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है जिसने एक ऐसा रिसोर्स पैदा किया है
एक ऐसा इंफॉर्मेशन रिसोर्स पैदा किया है जो दुनिया की तमाम पॉपुलेशन को इक्वली एक्सेसिबल है। हमने ये भी देखा कि इंटरनेट का शुरू तो 60s में हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता उसमें फैसिलिटीज बढ़ती गईं, लेकिन तीन की इवेंट्स इंटरनेट की हिस्ट्री में जो हैं, जिनको मैं एक दो बार फिर आपके सामने दोहराना चाहूंगा। एक तो ये कि TCP/IP की प्रोटोकॉल जो है उस पर जो एग्री किया गया कि आइंदा से इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन है, इट विल ऑल फॉलो दैट प्रोटोकॉल। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा इवेंट था जिससे इंटरनेट की ग्रोथ बहुत तेज हुई। दूसरा इवेंट मेरे ख्याल में वो वेब की आमद थी, सर्न में जो टिम बर्नर्स-ली ने ये वेब का एक नया आइडिया दिया और उसको HTTP के और हाइपरलिंक्स के जरिए इंप्लीमेंट किया, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था जो कि इंटरनेट के एवोल्यूशन में आया। और तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट मेरे ख्याल में, और इसी ऑर्डर इंपॉर्टेंस में, वो है ये जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स थे, इनकी पैदाइश। इसकी वजह से भी इंटरनेट की ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ। तो ये तो थी आज की बात। नेक्स्ट टाइम हम अपनी इंटरनेट की डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम जरा थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम जरा देखेंगे कि इंटरनेट पे जो जो चीजें पॉसिबल हैं, यानी उस पे जो कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जो फाइलें डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं, जो उस पे इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, उस पे जो हम ब्राउजिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं इनकी हम थोड़ी सी ज्यादा डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, अंटिल दैट टाइम, खुदा हाफिज़।